फाइव प्लान्स एट अ ग्लैंस, ये फर्स्ट से लेकर जितने 12 प्लान्स थे उसके बारे में हम देख रहे हैं कि कौन से ईयर कौन सा प्लान था, क्या टारगेट था, क्या अचीवमेंट्स थे और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में है। एक ज़माने में हर प्लान का स्टडी होता था, उसके ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, अचीवमेंट्स, फेलियर्स, ये सब होता था। लेकिन अभी मेन आप लोग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसको ख्याल रख सकते हो। 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। पहला प्लान जो बना 1951 टू 56 पाँच साल के लिए बना। जैसे मैंने बताया, पहला प्लान तो अपने देश में कुछ था ही नहीं एग्रीकल्चर छोड़ के, तो एग्रीकल्चर के बारे में सोचा गया। टारगेट 2.1% ग्रोथ रेट सोचा गया, जबकि अचीवमेंट 3.6 था। फिर सेकेंड प्लान में पता चला कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ तो हुआ है लेकिन हैवी इंडस्ट्रीज की प्लानिंग की ज़रूरत है, तो सेकेंड प्लान में टारगेट रखा गया 4.5% हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, लेकिन 4.1% कम हुआ, टारगेट अचीव नहीं हुआ। थर्ड प्लान में जब पता चला कि अभी एग्रीकल्चर वापस से स्लो हो गया है क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज को प्लान में ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, तो एग्री और हैवी इंडस्ट्री दोनों को सोचा तो 5.6 सोचा तो 2.7 हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण 1962 में चाइना वॉर था, बहुत सारा रिसोर्सेस अपने देश ने उधर लगा दिया था। फिर 66 टू 69 का एक छोटा सा प्लान बना हर साल। फिर फोर्थ प्लान में आई थिंक इस समय जवाहरलाल नेहरू जी एक्सपायर होके लाल बहादुर शास्त्री आए थे। फिर फोर्थ प्लान में 1969 टू 74 यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार थी। स्टेप ग्रोथ सोचा गया, स्टेबिलिटी इधर इधर जो है। फोर्थ और फिफ्थ प्लान में अच्छा काम किया गया, 5.7 का टारगेट 3.3, लेकिन फिफ्थ प्लान में 74 टू 79 में गरीबी हटाओ मुहिम शुरू किया गया तो 4.4 का 4.8 हुआ। सिक्स प्लान में पता चला 1985 में क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान दिया जाए, तो अगेन देखो टारगेट से ज़्यादा ही अचीवमेंट हुआ है। सेवन्थ प्लान 85 टू 1990 सोशल वेलफेयर पॉवर्टी इरेडिकेशन, 5 का सोचा गया, 6 अचीव हुआ। जब एट प्लान 92 प्लान हॉलिडे, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई थी, फिर वो चली गई, फिर कांग्रेस की आई, तो ये 2 साल प्लान इसलिए हॉलिडे हुआ। फिर एट प्लान 92 टू 97 में डायनेमिज्म लाया गया इकोनॉमी में, मतलब 24 जुलाई 1991 को नया इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया जिसकी वजह से ग्रोथ देखो 5.6 का 6.8, जबरदस्त प्रोग्रेस हुआ, बहुत सारे फॉरेन का पैसा इंडिया में आया। नाइन्थ प्लान में सोचा गया सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में तो 7 का 5.6। मतलब आप देखो प्लान के जो टारगेट्स है गवर्नमेंट ने वक्त के साथ साथ बढ़ाते गए। गरीबी हटाने का प्लान 2002 से 7 8.2 का टारगेट रखा गया। इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको डेवलप करना, सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब आप देखोगे तो वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट ने टारगेट भी बनाए, कुछ टारगेट अचीव हुए जैसे 5.6 का 6.8, कुछ जगह पे टारगेट अचीव नहीं हुए, बहुत जगह पे टारगेट अचीव नहीं हुए। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट में 5 ईयर प्लान एट अ ग्लांस था। आपको प्लान, पीरियड ऑफ प्लान, क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, क्या टारगेट था और अचीवमेंट, मेन तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये रहेगा जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।